पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो चुका है। भारत की झोली में कुल 6 मेडल आए। नीरज चोपड़ा ने जहां जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता, तो वहीं मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट और मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। सोमवार को मनु भाकर की मां ने नीरज चोपड़ा से मुलाकात की थी। दोनों साथ में एक कार्यक्रम में नजर आए थे और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई थी। वीडियो वायरल होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर मीम्स और पोस्ट की बाढ़ आ गई, जिसमें कई लोगों ने अनुमान लगाने शुरू कर दिए हैं कि नीरज और मनु में रिश्ता हो रहा है। नीरज चोपड़ा वीडियो में जहां मनु भाकर से गुपचुप मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं, वहीं दूसरे वीडियो में उन्हें देखकर लगता है कि मानो मनु की मां के सिर पर हाथ रखकर उनसे कोई वादा कर रहे हों। दोनों स्टार खिलाड़ियों की शादी की अफवाहें छाई हुई हैं। नीरज चोपड़ा और मनु भाकर के अफेयर और शादी की अफवाहें सही है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ओलंपियन ने पहले ही एक रियलिटी शो के मंच पर बता दिया था कि उन्हें किस तरह की लड़की से शादी करनी है। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद रियलिटी शो डांस प्लस 6 में खास मेहमान बनकर पहुंचे थे, जहां मशहूर डांसर शक्ति मोहन उन्हें प्रपोज करने के लिए कहा था, ताकि वो राघव जुआल को बता सके कि शादी के लिए कैसे प्रपोज किया जाता है। नीरज ने तब स्टेज पर आकर शक्ति मोहन से कहा था कि मेरी लाइफ में तो सबसे जरूरी जैवलिन है, मुझे ना अच्छा खाना बनाना आता है और ना ही मैं टाइम दे सकता हूँ। वहीं डांस शो में नीरज चोपड़ा से कुछ पर्सनल सवाल भी पूछे गए, जिनमें से एक सवाल था, नीरज चोपड़ा के साथ कुंडली कैसे मिलाएं? शो के जजेस ने सवाल को आसान बनाते हुए नीरज से पूछा कि आपको किस तरह की लड़की पसंद है। नीरज चोपड़ा जवाब में कहते हैं कि मैं खिलाड़ी हूँ तो चाहता हूँ कि खिलाड़ी हो जिसका काम पर फोकस हो, एक दूसरे और फैमिली का सम्मान करें, और मुझे लगता है कि यही सबसे सही है। मनु भाकर के साथ नीरज का वीडियो देखने के बाद लोग दोनों की शादी की संभावना जताने लगे हैं। नीरज के साथ मनु भाकर की मां की मुलाकात के वीडियो पर कमेंट करके लोग रिश्ता पक्का होने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों की शादी को लेकर लगाए जा रहे सभी कयासों को गलत बताते हुए मनु भाकर के पिता राम किशन भाकर ने कहा कि मनु अभी शादी के बारे में सोचने के लिए बहुत छोटी है। मनु के पिता ने कहा कि मनु अभी बहुत छोटी है, वो अभी शादी की उम्र की भी नहीं हुई है, अभी हम इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। उन्होंने अपनी वाइफ और नीरज के वायरल हो रहे वीडियो की भी सफाई देते हुए कहा कि मनु की मां नीरज को अपने बेटे की तरह मानती है। इसके अलावा नीरज के चाचा ने भी इन सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि नीरज की शादी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में होगी और जब भी ऐसा होगा तो सबको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे नीरज ने मेडल जीता तो पूरे देश को पता चला, वैसे ही जब उनकी शादी होगी तो सबको पता चलेगा। आपको बता दें कि मनु भाकर और नीरज चोपड़ा दोनों ही हरियाणा से हैं और दोनों ने ही भारतीय खेलों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मनु भारत की सबसे सफल महिला निशानेबाज है, जबकि नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। तो अफवाहों के बीच नीरज और मनु के बीच में वाकई कोई रिश्ता है या नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।